हेलो दोस्तों, अभी अभी मिली मौसम की जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश के कई जिलों में जो है काफी ज्यादा ठंड और बारिश होने के अनुमान है। और दोस्तों बताया जा रहा है कि कई जगहों पर गर्मी के एहसास भी काफी ज्यादा देखने को मिल सकते हैं। तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखना, एक एक करके जो है ना मध्य प्रदेश के लगभग सभी जिलों की मौसम की जानकारी बताऊंगा। तो अगर आप मध्य प्रदेश के कौन से भी जिले में रहते हैं तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखना। दोस्तों अगर आप वीडियो को बीच में छोड़ के चले गए तो आप अपने यहाँ की मौसम की जानकारी बिल्कुल भी नहीं जान पाओगे, इसलिए वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखना। वही दोस्तों आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट, इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, इस चैनल को लाल वाला बटन दबाकर सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में घंटे के आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए। और दोस्तों हमें नीचे कमेंट करके बताइए कि आप मध्य प्रदेश के कौन से जिले, गांव या शहर में रहते हैं, यानी कि आप मध्य प्रदेश में कहां पर रहते हैं, कमेंट करके जरूर बताना। तो दोस्तों मौसम विभाग की माने तो मौसम में जो है काफी ज्यादा मध्य प्रदेश में बदलाव देखने को मिलने वाला है और मध्य प्रदेश में रोजाना मौसम के नए मिजाज देखने को मिल रहे हैं। बारिश दोस्तों पिछले सप्ताह काफी ज्यादा देखने को मिली थी और तापमान में भी उतार चढ़ाव काफी ज्यादा हमें देखने को मिल रहा है। बता दें दोस्तों आपको, मध्य प्रदेश में वातावरण में नमी के कम होने से बादल काफी ज्यादा छटे हुए हैं और उत्तर भारत की तरफ से आ रही सर्द हवाओं में रात के समय ठंड काफी ज्यादा महसूस की जा रही है। और मौसम विभाग के मुताबिक दोस्तों बताया गया है कि विदर्भ और से लगे छत्तीसगढ़ पर वेदर सिस्टम बना है जो कमजोर पड़ चुका है। और बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश में अगले 2 से 3 दिनों के दौरान काफी ज्यादा जगहों पर भारी गर्मी का एहसास जो है और भी ज्यादा बढ़ने वाला है। जी हाँ दोस्तों, अभी अभी मिली मौसम की जानकारी के मुताबिक दोस्तों मध्य प्रदेश में बीते कई दिनों से जो है काफी ज्यादा मौसम में बदलाव देखने को मिला है, जिसके चलते कई जिलों में जो है ओलावृष्टि और बारिश भी देखी गई थी पिछले एक सप्ताह के दौरान और उतार चढ़ाव काफी ज्यादा हुआ था तापमान में। वहीं दोस्तों मौसम विभाग की माने तो पश्चिम विक्षोभ के उत्तर भारत में दाखिल होने से 2 सिस्टम एक्टिव होंगे और हवाओं का रुख बदल सकता है, जिसके चलते जो है काफी ज्यादा सिस्टम एक्टिव होंगे। और मौसम विभाग की माने तो वर्तमान में ऐसा कोई सिस्टम एक्टिव नहीं, लेकिन दोस्तों इनके कमजोर पड़ने ही वातावरण में नमी होने लगेगी। हालांकि दोस्तों पश्चिम विक्षोभ के प्रभाव से मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में मौसम बदल सकता है और देखने को मिलने वाला बादल छाए रहने के अनुमान भी काफी ज्यादा है और तापमान में भारी गिरावट हो सकती है और रात में भी जो है तापमान में बढ़ोतरी होने लगेगी। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक दोस्तों बताया जा रहा है कि कई जगहों पर जो है मध्य प्रदेश में काफी ज्यादा ठंड हमें जो है अगले 24-48 घंटों के दौरान देखने को मिलेगी। छिंदवाड़ा में, जबलपुर में, मंडला में और दोस्तों रीवा में, सागर में, सतना में, सीहोर में और दोस्तों सीधी में, उमरा में और साथ में बैतूल में, भोपाल में, दतिया में, इन जगहों पर तापमान में धीरे धीरे जो है बढ़ोतरी देखने को हमें जो है मिलने लग गई है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप मध्य प्रदेश में रहते तो आपके यहाँ पर जो है गर्मी जैसा हाल होने लगा कि नहीं हमें कमेंट करके जरूर बताना। और भोपाल की बात करें दोस्तों, भोपाल में भी जो है अगले 24 घंटों के दौरान काफी ज्यादा गर्मी बढ़ने वाली है। और खंडवा की बात करें, खंडवा में रात के समय 18 के करीब और दिन के समय 36 और 40 के करीब रिकॉर्ड किया जा रहा है तापमान, यानी कि यहाँ पर भारी गर्मी रहेगी और एक सप्ताह तक ऐसा ही मौसम जो है हमें देखने को मिलेगा। देवास में दोस्तों 4 दिनों तक काफी ज्यादा मौसम साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन दोस्तों 4 दिन के बाद जो है 2 दिन काफी ज्यादा जो है बादल छाए रहेंगे, शनिवार और रविवार और जो है मंगलवार को भी दोस्तों और सोमवार के समय भी, यानी कि 4 दिन तक रहेगा लेकिन ज्यादातर जो है रविवार और सोमवार को देखने को मिलेगा बादल, जिसकी वजह से तापमान में थोड़ी गिरावट आ सकती है। वही दोस्तों राजगढ़ में भी जो है 5 से 6 दिनों के दौरान जो है आने वाले मंगलवार से बुधवार तक काफी ज्यादा मौसम बदलेगा और तापमान में भारी गिरावट आएगी, क्योंकि आने वाले सोमवार को काफी ज्यादा बादल छाए रहेंगे। शाजापुर में भी दोस्तों 4 दिन काफी ज्यादा मौसम साफ रहेगा, उसके बाद दोस्तों काफी ज्यादा बादलों की आवाजाही रहेगी शाजापुर में। और सीहोर में भी दोस्तों काफी ज्यादा बादलों की आवाजाही देखने को मिलेगी, 5 दिन के बाद काफी बादल छाए रहेंगे। रायसेन में भी दोस्तों 5 दिन के बाद काफी ज्यादा बादल छाए रहेंगे और 36 के करीब तापमान हमें देखने को मिल सकता है। छिंदवाड़ा में भी दोस्तों 4 दिन के बाद जो है काफी बादलों की आवाजाही देखने को मिलेगी और 4 दिन के बाद काफी ज्यादा बादल छाए रहेंगे और कई जगहों पर जो है भारी से भारी ठंड का प्रकोप भी देखने को मिल सकता है। इंदौर में दोस्तों 4 दिन तक काफी ज्यादा मौसम साफ रहेगा, लेकिन 4 दिन के बाद आने वाले रविवार को काफी बादल छाए रहेंगे, उसके बाद 3 दिन वापस से जो है मौसम साफ होने के अनुमान है। भोपाल में भी दोस्तों 4 से 5 दिनों के दौरान काफी मौसम साफ है, उसके बाद जो है आने वाले सोमवार में बादल छाए रहेंगे, उसके बाद फिर से 2 दिन मौसम साफ हो जाएगा। कटनी में भी दोस्तों 5 से 6 दिनों के दौरान काफी ज्यादा जो है मौसम साफ रहने की उम्मीद बताई जा रही है और कई जगहों पर गर्मी का एहसास काफी ज्यादा देखने को मिलेगी। मंदसौर में भी दोस्तों 5 से 6 दिनों के दौरान जो है काफी ज्यादा गर्मी पड़ने वाली है और 33 के करीब तापमान रिकॉर्ड किया जाने वाला है। दतिया में दोस्तों 2 से 3 दिनों के दौरान मौसम साफ रहेगा, उसके बाद जो है बादल काफी ज्यादा छाए रहेंगे, फिर से दोस्तों जो है आने वाले रविवार, मंगलवार और बुधवार और गुरुवार को मौसम साफ होने के अनुमान है। ग्वालियर में भी दोस्तों 3 दिन काफी ज्यादा मौसम साफ रहेगा, उसके बाद जो है काफी ज्यादा बादल छाए रहेंगे और गर्मी से थोड़ी राहत मिलेगी आने वाले शनिवार को। और भिंड में भी दोस्तों 5 से 6 दिनों के दौरान जो है थोड़ी गर्मी कम रहेगी, लेकिन उसके बाद जो है गर्मी अपने चरम सीमा पर चली जाएगी। छतरपुर में भी दोस्तों काफी ज्यादा गर्मी का प्रकोप जो हमें देखने को मिलेगा अगले 24-48 घंटों के दौरान और बताया जा रहा है कि काफी ज्यादा गर्मी जो है हमें देखने को मिल सकती है आने वाले 2 से 3 दिनों के दौरान। एमपी में दोस्तों कई जगहों पर जो है अगले 14 जिलों में जो है काफी ज्यादा जगहों पर गर्मी रहेगी और मध्य प्रदेश में मौसम में जो है तेजी से करवट बदलने वाला है। बताया जा रहा है मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान राज्य के जबलपुर, इंदौर और उज्जैन समेत जो है कई 14 ऐसे जिले जहां पर थोड़ी बहुत जो है दोस्तों गर्मी से राहत कम रहेगी, कई जगहों पर थोड़ी बहुत ठंड और थोड़ी बहुत बारिश का अनुमान है। सतना में भी बादलों का आवाजाही चलता रहेगा और मौसम विभाग ने जबलपुर, होशंगाबाद संभाग के अलावा
खंडवा, बुरहानपुर, इंदौर, उज्जैन, रायसेन, विदिशा, सागर, दमोह, रीवा, सतना, अनूपपुर में दोस्तों तापमान में थोड़ी कमी और थोड़े बहुत जगहों पर बारिश होने के अनुमान जताए। और दोस्तों होशंगाबाद में भी थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है और राजधानी भोपाल में भी काफी ज्यादा जगहों पर धूप निकलनी शुरू हो गई है। और बताया जा रहा है कि कई जगहों पर मौसम साफ तो कई जगहों पर गर्मी से कोई भी राहत मिलने के अनुमान नहीं, और ज्यादातर जगहों पर गरज चमक के साथ काफी ज्यादा जो है भारी ठंड का प्रकोप जो हमें देखने को मिलेगा। और आंधी भी कई जगहों पर चल रही है और बताए जा रहे हैं मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक दोस्तों भारी से भारी ठंड का प्रकोप जो हमें देखने को मिलेगा और कई जगहों पर काफी ज्यादा मौसम भी ठंडा रहने के अनुमान है। और जानकारी के मुताबिक राजधानी भोपाल का न्यूनतम तापमान काफी ज्यादा अब जो है बढ़ने लग गया और तापमान में अचानक से दोस्तों तेजी से लोगों को जो है गर्मी काफी ज्यादा एहसास करने लग गई है। दोस्तों अगर आप मध्य प्रदेश में रहते हैं तो कौन से जिले में रहते हैं कमेंट करके जरूर बताना। मैं आपको बता दूं मौसम साफ होने के अनुमान है। ग्वालियर में भी दोस्तों 3 दिन काफी ज्यादा मौसम साफ रहेगा, उसके बाद जो है काफी ज्यादा बादल छाए रहेंगे और गर्मी से थोड़ी राहत मिलेगी आने वाले शनिवार को। और भिंड में भी दोस्तों 5 से 6 दिनों के दौरान जो है थोड़ी गर्मी कम रहेगी, लेकिन उसके बाद जो है गर्मी अपने चरम सीमा पर चली जाएगी। छतरपुर में भी दोस्तों काफी ज्यादा गर्मी का प्रकोप जो हमें देखने को मिलेगा अगले 24 से 48 घंटों के दौरान, और बताया जा रहा है कि काफी ज्यादा गर्मी जो है हमें देखने को मिल सकती है आने वाले 2 से 3 दिनों के दौरान। एमपी में दोस्तों कई जगहों पर जो है अगले 14 जिलों में जो है काफी ज्यादा जगहों पर गर्मी रहेगी। और मध्य प्रदेश में मौसम में जो है तेजी से करवट बदलने वाला है। बताया जा रहा है मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान राज्य के जबलपुर, इंदौर और उज्जैन समेत जो है कई 14 ऐसे जिले जहां पर थोड़ी बहुत जो है दोस्तों गर्मी से राहत कम रहेगी, कई जगहों पर थोड़ी बहुत ठंड और थोड़ी बहुत बारिश का अनुमान है। सतना में भी बादलों का आवाजाही चलता रहेगा और मौसम विभाग ने जबलपुर, होशंगाबाद संभाग के अलावा खंडवा, बुरहानपुर, इंदौर, उज्जैन, रायसेन, विदिशा, सागर, दमोह, रीवा, सतना, अनूपपुर में दोस्तों तापमान में थोड़ी कमी और थोड़े बहुत जगहों पर बारिश होने के अनुमान जताए। और दोस्तों होशंगाबाद में भी थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है और राजधानी भोपाल में भी काफी ज्यादा जगहों पर धूप निकलनी शुरू हो गई है। और बताया जा रहा है कि कई जगहों पर मौसम साफ तो कई जगहों पर गर्मी से कोई भी राहत मिलने के अनुमान नहीं, और ज्यादातर जगहों पर गरज चमक के साथ काफी ज्यादा जो है भारी ठंड का प्रकोप जो हमें देखने को मिलेगा। और आंधी भी कई जगहों पर चल रही है और बताए जा रहे हैं मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक दोस्तों भारी से भारी ठंड का प्रकोप जो हमें देखने को मिलेगा और कई जगहों पर काफी ज्यादा मौसम भी ठंडा रहने के अनुमान है। और जानकारी के मुताबिक राजधानी भोपाल का न्यूनतम तापमान काफी ज्यादा अब जो है बढ़ने लग गया और तापमान में अचानक से दोस्तों तेजी से लोगों को जो है गर्मी काफी ज्यादा एहसास करने लग गई है। दोस्तों अगर आप मध्य प्रदेश में रहते हैं तो कौन से जिले में रहते हैं कमेंट करके जरूर बताना। मैं आपको बता दूं अगले 24 से 48 घंटों के दौरान मध्य प्रदेश में जो है काफी ज्यादा गर्मी बढ़ने के अनुमान बहुत ही ज्यादा देखने को मिलेगा। मौसम में बदलाव के संकेत धीरे धीरे जो है गायब होने लगे और खासतौर पर दिन के समय जो है हल्की गर्मी का एहसास होने लगा है, क्योंकि दोस्तों उत्तरी हवाओं के बाद जो है ठंड काफी ज्यादा दिखाई दे रही है और कई जगहों पर ठंड जो है बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही और अचानक से ठंड गायब भी हो गई है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2 से 3 दिनों के दौरान जो है मौसम पूरी तरह से शुष्क रहेगा और न्यूनतम और अधिकतम तापमान में काफी ज्यादा इजाफा के संकेत मिले और दिन में सूरज के तपन के कारण अधिकतम पारा जो है काफी ज्यादा इजाफा होने लग गया है। अधिकतम तापमान 30 डिग्री के करीब पहुंच गया जबकि न्यूनतम पारा काफी ज्यादा बढ़ने लग गया है और इसी वजह से दोस्तों दिन में धूप की चुभन जो है काफी ज्यादा हल्की गर्मी का एहसास भी करा रही है। हालांकि सुबह और रात में भी जो है हल्की ठंड का काफी ज्यादा असर देखने को मिल रहा है।